बीटी आएगा मेरे पास। हमारा वीडियो क्यों बना रहे आप? आप क्यों, आप कौन है, आप कौन है? कैंटीन मैनेजर। तो बस बात खत्म। अरे ऐसा मत कीजिए, लेते खुशी खुशी आशीर्वाद दे दीजिए। कोई बात नहीं मेरी बेटी, बहुत सारा वायरल हो जाए। एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं आज बोल रही हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम तो ट्रेन से उतर गए लेकिन इतना बड़ा स्कैम और इतना ज़्यादा गुंडागर्दी टाइप का माहौल हो गया है ट्रेनों में, तो इसको ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा स्कैम और खाना कोई भी क्वालिटी का नहीं, ना पेंट्री कार्ड। तो मैं तो उतर गया क्योंकि मैं 2 दिन का सफ़र था, तो पहला दिन वीडियो डाला था तो कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा जब भगवान जो कराते हैं वो अच्छे के लिए ही कराते हैं, तो शायद ये वीडियो जो है आप लोगों को फ़ायदेमंद हो। और आप लोग भी अगर बुक करना चाहें तो आप लोग बाहर से ही खाना बुक करें, क्योंकि जो वैसे तो एक कमेंट आया था कि बहुत लोग को पता है कि ऐसे होता है, तो मैं बता दूँ कि बहुत लोग को पता है पर मेरा काम है बताना। जिसको नहीं पता होगा वो अपना लेगा, जिसको पता है उसको वीडियो स्किप करेगा। खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सब कुछ है आपको, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, तो लास्ट तक देखिए और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। गाइस पहला ये सीट था साला, सॉरी गाड़ी नहीं देना सीट, पता नहीं कौन आया चोर हुआ ये ना, एकदम अभी शायद ये लेने गए थे कुछ खाने के लिए, तब तक यहाँ से अच्छा हुआ ये चार्जर ही लगाए थे। अब ये कौन कर सकता है, हमको तो जहाँ तक लग रहा है ना, मानना बोलिए चाहे नहीं कि कोई ट्रेन में कहीं किया होगा, नहीं तो कब किया है, जब ट्रेन रुका था तभी ना। नहीं अच्छा इधर से निकला है लेके भाग गया क्या, कोई देखा भी नहीं? सारा सोचा हुआ ना कि मोबाइल चार्ज में लगा, चार्जर उसमें नहीं लगा हुआ था। देखें तो यहाँ पे गए थे कुछ, गए भी नहीं, आ भी गए थे। कैसा मोबाइल है, सी टाइप है? चलिए कोई बात नहीं, हम चार्ज में लगा देंगे, खुश हो जाइए लोग। यही चीज़ बात हम बोल रहे हैं, कब से कौन घुस रहा है, कौन निकल रहा है, कोई गए यहाँ का कुछ सीन ही नहीं पता चल रहा है। अब पहला सीट सबसे रिस्की होता है, सबसे ज़्यादा क्या आराम रहता है, इसी में भी मार ले रहा है तो स्लीपर में क्या दासा किया होगा सर। तो अभी हम लोग रुके हुए थे कटनी में और यहाँ पर हम ले लिए हैं समोसा, जो कि बहुत ज़्यादा, अभी देखते हैं कब नेक्स्ट ट्रेन कहाँ रुकेगी। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे का। और यहाँ पे आप ही बुक ले रहे हैं क्या? आप तो बुक कर दी सतना में, बोले हैं कि मत खाओ समोसा, तो नहीं हमको समोसा चाट खाना है, चाउमीन मंचूरियन खाना है। कितने बोल रहे हैं, ऑर्डर कर देते हैं खाना, तो बोलती है बर्गर खाना है। भाई तुम होटल में रुकी हो कि ट्रेन में? कितने का करना है? बर्फ जम गया है क्या? हे गाइस तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं रंजना ने उद्घाटन कर दिया है नॉनवेज खाना, क्योंकि इसको मैं लाया था कल सुबह में खाने के लिए, पर इन्होंने खा लिया है और ये बोल रही है कि इसमें एग नहीं होता है। और यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, कंटेंस एग ओनली। गोविंदा बोलो हरि गोपाल, आपको ये कौन बोला लाने के लिए? बोलो हरि गोपाल, आपको ये नहीं लाना चाहिए ना। अच्छा लगा ना? अच्छा तो लगा, लेकिन आपको ये नहीं लेना चाहिए। दो खा लो, सही है, बहुत सही है। ब्रिटानिया लेने के लिए
ब्रिटानिया का ही है शायद, ब्रिटानिया का लो चाहे सिटानिया का लो, तुमको देखना चाहिए ना, अब मजा आएगा। चलो खुश हो जाओ, कल से चलेगा फिर। यस कल से चलेगा लैक्टिस। अरे कोई दिक्कत जरूरत थी नीचे कसम से, जबलपुर में लोग अभी आया था, हम लोग बाहर वाले थोड़ा ये सब घूम रहा है, उसका कुछ नहीं चेक किया, रेगुलेटर पास मेडिकल ये पुलिस वेलिफेयर सब चेक कर रहा है, बाहर का भीतर 100 आदमी घूम रहा है, कुछ नहीं। अच्छा ये जो मंडल पेपर बेचता है तो सब का भी कार्ड वोट होता है क्या? नहीं सब कुछ बात बोले थे कि बहुत कुछ ऐसा उजागर हमको भी करना था कि आप लोग जब आते जाते ट्रेन में तो हम आपको ये भी बोले थे कि देखिए हमारा फोटो मत लीजिए, आप उजागर कीजिए। नहीं नहीं बढ़िया, लेकिन आप फोटो हमारा डाल दीजिए, गलती कर आप सही है तो सही रही है, कल के वीडियो को लेके कि आपने वीडियो क्यों डाला था, जबकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और ये मैं इसलिए बना भी दिया वीडियो कि अगर ऐसा आप लोगों के सामने हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। अभी मैं और रंजना थे इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोला, पर इन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मतलब एकदम घेर लिया था, और उसके बाद से दारू भी जो है वो मतलब पिए हुए थे, कोई अलाउ नहीं होता है रेलवे में, पर इन लोगों के लिए स्टाफ है तो इन लोगों को अलाउ रहता है। और नेक्स्ट जो चीज़ था इतना तो मैनेजर आप है ना, तो कौन घुसने दे रहा है, घुसने कौन दे रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर रेलवे ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इन पे कार्रवाई करना चाहिए, कि अगर ये बिना 80 का 60 मतलब ऐसे 50 का लूट करते हैं, लेकिन 80 बोल रहे थे, 80 का खाना ये लोग 140 तो आराम से जो है 500 आदमी को भी बेचते होंगे एक बार में, तो 30-35 हज़ार आएगा मेरे पास। हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? क्यों आप कौन है? आप कौन है? तो बस बात खत्म। या कुछ भी अगर मानिए कि आपको रिसिप्ट चाहिए तो लो रिसिप्ट देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था, हाथ से लिखा हुआ चीज़ सब कुछ चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर कोई भी ये वीडियो रेलवे अधिकारी को जानता है या जानता है तो आप लोग प्लीज़ इस पर, ये हमारा गाड़ी जो है जो कि है हम सफ़र एक्सप्रेस, जो कि कोई भी इसमें हम सफ़र टाइप का कोई फील नहीं हुआ, बस जब देखो तब चोरी या कोई भी प्रशासन ही नहीं था। तो मैं बस इतना गुजारिश करूँगा कि कोई भी अगर अधिकारी ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग प्लीज़ इस पर ज़रूर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मुझे क्या है, मेरा तो सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन आगे ऐसे ही सबको कोई दारू बेच रहा है उसमें चढ़ चढ़ के और कोई कुछ कर रहा है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा रेलवे अधिकारी से कि आप लोग प्लीज़ जांच जरूर कीजिएगा इस पूरे ट्रेन को। और खाली एक दो पीस खाई, लेकिन जब मैं खा ली उसके बाद ये बोलती कि रंजना ये तुम क्यों फाड़ती, क्यों खा रही हो, अमले क्यों क्या हो गया, तो बोलती कि इसमें एग रहता है, बोले कि अच्छा, तो फिर ये मुझे बताया, बोले कि पहले देखो उसमें, तो मैं देखी तो सही में उसमें था ओनली एग। और मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता था कि उसमें है, अगर पहले से पता होता तो मैं वो खाती ही नहीं। उसमें कमेंट आएगा वैरायटी वैरायटी का, ये नहीं होता वो नहीं होता ये होगा। नहीं नहीं, और अभी मैं क्या की जब वो खा ली तो मुझे पता चला, जैसे ही मैं उसको साइड रख दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्किट ले ली पूरियो, तो मुझे मीठा खाने का मन हो रहा था। मैं इसको इनको पहले ही बोली थी कि आप अगर केक दिखेगा तो लेकर आइएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ बैंगलोर से जब आए थे तो दीदी केक वहाँ दी थी, वो हम लोग खाए थे। नहीं मुझे इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा घटना आपसे हो जाएगा, और आप बिना पढ़े अंडा है कि नहीं आप खा ली। कल का टाइटल यही है, रंजना ने खाया अंडा वाला केक, कौन है जिम्मेदार, रंजना या प्रिंस? तो गाइस आप लोग बताइए, अभी हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं लोग पटना, तो कल पहुंच ही जाएंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, इस ट्रेन का इतिहास बताते हैं, कभी भी टाइम पे नहीं पहुंची है, और हमेशा ये कभी 3 दिन लेट चलती है, कभी 2 दिन, लेकिन इस बार जो है एकदम टाइमली चल रही है। इसको खाना का भूख नहीं था, खाना खाने का मन नहीं था, इसको मतलब क्या बोलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको
लोग बोलेंगे चल रहा था वो 4 घंटा लेट, और जो टाइमली चलता है वो 4 घंटा लेट यानी पीछे वाली। तो ये एक चमत्कार है, लेकिन चमत्कार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक पहुँच ना जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इसको रुकवा के कानून सबको पास करने लगता है, पास नहीं पास। चलिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे बिना किसी देरी के। और क्या लगता है कि सुबह में 8 बजे जहाँ स्टॉपेज है वहाँ रुकेगी? स्टॉपेज होगी तो रुकेगी, नहीं है ऐसा तो नहीं है कि चीरते हुए सीधे पटना के पुल में गिरा देगी, वो नहीं बोल रहे हैं। 2-2.5 घंटा तो ये ट्रेन लेट है ना? हाँ तो 2 घंटा लेट रहेगी 10 बजे तक। और अभी ठीक है मुझे अभी आज रात का कोई गारंटी नहीं है कि कितने घंटे रुकेगी। पहला ये चुका है, और अब ऐसा लग रहा है ना कि पटना में जैसे ही एंट्री ले रहे हैं तो धूप भी स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं धूप होने लगा, और अब ये सौरभ भाई अब जाने वाले हैं तो सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे हम लोग एंट्री लिए थे ना तैसे ही ये हम लोग को पहचान लिए थे, बोले थे कि आप लोगों का ब्लॉग हम देखते हैं, और ये थोड़ा देर ना चुप हो गए ऐसे, अरे आप लोग वीडियो बनाते हैं देखें हम बोले हाँ। तो ये ऐसा वैसा नहीं कि अचानक से देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं, मतलब शुरुआत से ही बहुत इनको इंटरेस्ट था। पहले सौरभ जोशी जो हैं उनका देखते थे, और उसके बाद से मतलब धीरे धीरे करके बिहार का आने लगा, तो ये बहुत पहले से देखते थे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके हम लोग जर्नी था तो बात तो होगा ही, तो बात होते होते हम लोग सब अच्छे से एकदम, मतलब ये डॉक्टर जो है वो डॉक्टर बनने वाले हैं कुछ दिनों में या कुछ सालों में बोलिए, अभी इनका ख़त्म हो गया है, अब इंटर्नशिप जो है वो सब अभी जाएंगे एमडी, पता नहीं इनका मन होगा तो अभी देखते हैं आगे का प्लान, यही जानते हैं। ऑल द बेस्ट है इनके फ्यूचर के लिए, और बस भगवान जल्दी से इनका मनोकामना सारा पूरा कर दें और एकदम मस्त डॉक्टर बन जाए ताकि हम इलाज फ्री में करा लें। चलिए अब पटना से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे क्या है कैसा है, और वक्त मिलेगा तो हनुमान मंदिर भी एक बार जरूर जाएंगे, तो आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे रंजना जो है फिर से यहाँ पे तैयार हो गई है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था तो थोड़ा सा घर जा रही है, अब आ जाएगी मस्त एकदम, तो सो जाती है। देखिए बैग सब हम लोग रख लिए, काउंट कर रहे हैं कितना सारा बैग था, जहर गरम। तो गाइस अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये केक जो था ना, ये मतलब कल शाम में रंजना खा रही थी, तो बाद में उसको जब पता चला कि ये इसमें एग होता है तो बोल रही है नहीं खाएंगे, लेकिन अब खा ली है। तो गाइस आप लोग कमेंट कीजिए कि अब खा ली है, अब इसको खा लेना चाहिए कि नहीं, बताइए। इस केक में एग है तो मैं इसको अब बोल रहा हूँ कि थोड़ा खा लो तुम भी अब, क्योंकि उस वक्त खा रही थी तो बोल रही है टेस्टी है। वाकई में यार कभी कभार मिलते हैं अच्छे से दिल से देख के जाना, इतना खा जाते इतना खर्चा हो जाता, ये नहीं लेंगे हम। अरे दे ले लीजिए, दे दो 20 रुपए दे दो क्या, अरे उतना ही है हम लोग के पास, अरे उतना हम लोग के पास है, अरे ऐसा मत कीजिए
लेते तो दे दो, खुशी खुशी आशीर्वाद दे दीजिए। कोई बात नहीं मेरी बेटी, बहुत सारा वायरल हो जाए। नहीं अरे रख लीजिए आंटी, रख लीजिए। अरे यार अगर अकेले भैया होते ना, हम 10 भी ले लेते प्यार से। जोड़ी बना रहे, खुश रहे, हम ऐसे नहीं मांगते। भैया होते 10 आंटी तो हम लोग के पास वहां। चलो कोई बात नहीं, खुश हो गए। हम कोई 500 नहीं मांगते, 1000 नहीं मांगते। नहीं है तो चलो मैं अपना दूंगी। अच्छा ठीक है, इनकी तरफ से भी ले लो, आप मेरी तरफ से भी। ये लो 50। कितना हो गया ये देखो, बस 101 तो मैंने मांगा। मैंने ना अब रहने दीजिए, हम वैसे भी दे उतना हम नहीं देते आज, पता नहीं क्यों ऐसे। चलो माता रानी दे रहे हैं आपको, हमेशा खुशी रखिए। नहीं बेटा कितना घट रहा, 30 रुपया ना। कोई दिक्कत नहीं, अब इतना रख लीजिए। अब अच्छे से बात, आशीर्वाद ले बेटा, तुम जीत गए मैं हार गई। अच्छे से पूरा बोल दीजिए फिर से। बिल्कुल नहीं नहीं, हाथ पे रख के। माता रानी सदा से बात रख के, सुंदर बेटा अच्छा आशीर्वाद लगे, किसी की नजर ना लगे। हम ही लोग के साथ हैं। आप चुप रहिए, सही में हम लोग साथ में ही हैं। 70 रुपए ले गया सुबह सुबह। तो ये पूरा बोगी जो है अब खाली हो चुका है पूरी तरह से। फाइनली हम लोग उतर गए हैं दानापुर में। ज्यादा भीड़ है यहाँ, बस स्टैंड है, बस स्टैंड वाले बोलिए जाना है। उसके बाद हम लोग को बस स्टैंड जाएगा, ऑटो मिलेगा। बस स्टैंड है हाजीपुर जी, हाजीपुर। अपने पास बात ना करिए, अगला से बात करते पहले हम यहाँ से पटना जंक्शन चलते हैं, बस जा रहे हैं, बस खाली है। ओला चल रही है पटना। चलिए चलिए चलिए, फाइनली हम लोगों ने बस ले लिया है पटना जंक्शन जाने के लिए। और यहाँ पे अभी आधा पौने घंटा में हम इसको इस पर रख दीजिए, वहाँ से यहाँ तो पूरा सामान वाला बैग जो है ना आपका, इस पर रख दीजिए, आराम से पकड़ के वहीं बैठ जाइए। यहाँ पे विंडो साइड है ना, एक ऊपर बैठ जाए, एक ऊपर किसको जेंट्स बैठ जाएगा, आएंगे तो हट जाएंगे। यहाँ पे ये रहा पटना जंक्शन, और यहाँ पे देख रहे हैं कितना हे गाइस। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं लोग, और पटना से अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें बैठे हुए हैं इसलिए क्योंकि इनको हो रहा है थोड़ा सा अभी मन वोमिटिंग वाला। तो मैं बोला कि चलो थोड़ा हवा भी लग जाएगा और घर भी पहुंच जाएंगे, नहीं तो मस्त अभी कार से भी चल जा सकते। तो चलिए अब पहुँचते हैं वहाँ का, देखते हैं क्या क्या कैसे है, एक्साइटमेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो येलो येलो एकदम दिख रहा है, अच्छा एकदम, मतलब क्लियर भी आ रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को आगे बस पहुंचने के बाद मैं घर पे अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ क्या नहीं, और भी बहुत सारा चीज बात है जो कि आप लोगों को मैं शेयर करूँगा धीरे से। जिम नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ है हमारी पूजा बनी है? अरे तेरी